बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम क्वेश्चन करेंगे. व्हाट इज रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है, हाउ इज इट यूजफुल इन शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन में, और डिफाइन रिपोर्ट, रिपोर्ट बताएंगे, और गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे हम रिपोर्ट राइटिंग के. आंसर, रिपोर्ट्स और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स आर फैक्चुअल एंड ग्राफिक इन नेचर. इसमें क्या होता है, जो रिपोर्ट्स होता है या फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी चीज के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, बताना उसके बारे में, चाहे कोई इवेंट्स हो क्या, चाहे कोई इंसिडेंट हो उसके बारे में, नेचुरली तरीके से. ऑल नेसेसरी डिटेल्स आर गिवन, और इसमें क्या होता है, हम हर एक जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं उसकी डिटेल देते हैं. इसमें प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिटेल शुड बी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल. इसमें जो भी हम प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर जो हम उसमें ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वो सारा चीज हम क्या करते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उसमें डिटेल में लिखते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, नहीं तो लॉजिकल तरीके से. दिस इवेंट्स और इंसिडेंट्स आर बींग डिस्क्राइब टू द अदर पर्सन. ये क्या होता है, इसमें इस तरीके के हम जो इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो लिखते हैं जिसे हम दूसरे पर्सन के साथ डिस्क्राइब कर सके, कि जिससे जब हम किसी को वो रिपोर्ट दे तो उससे वो पढ़ के वो समझ सके कि हम क्या इवेंट या क्या इंसिडेंट या किस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, वो उस चीज को पढ़ के समझ सके. द राइटर हैज टू रिकलेक्ट इंसिडेंट फ्रॉम मेमोरी एंड देन प्रेजेंट देम ब्रीफली बट क्लियरली. इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है इसे रिकलेक्ट, दोबारा कलेक्ट करने की कोशिश करता है इस इंसिडेंट को, जिससे कि वो उसे मेमोरी के तरीके से एक तरीके से याद रहे. प्लस में क्या होता है, इसे वो प्रेजेंट इस तरीके से छोटे में तो प्रेजेंट करता है, परंतु क्या क्लियर तरीके से, कि जिससे जैसा होता है ना कि हमें छोटे में बहुत बड़ी बात कह गई जाती है, उसी तरीके से ये शॉर्ट में पर पूरी अच्छे से बात कंफर्म करके बताने की कोशिश करते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग में. रिपोर्ट राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपोजिशन एंड रिक्वायर्स अ ग्रेट स्किल. इसमें क्या कहा गया है, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हमारे कंपोजिशन के लिए, और रिक्वायर करता है इसलिए कि जिससे हमारी जो स्किल हो सकती है वो अच्छी हो सके. द फॉलोइंग टिप्स कैन प्रूव टू बी यूजफुल फॉर अ स्टूडेंट वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट. इसलिए कुछ जो टिप्स है वो प्रूव करते हैं कि किस तरीके से जो रिपोर्ट राइटिंग है बच्चों के लिए यूजफुल होती है. फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इवेंट और इशू ऑन विच अ रिपोर्ट इज टू बी रिटन मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड. सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी हम इसमें इवेंट या फिर इश्यूज होते हैं वो रिपोर्ट राइटिंग में अच्छे से लिखते हैं, क्लियर तरीके से लिखते हैं, जिसे कि जो भी उसे पढ़ना चाहे उसे पढ़ के वो अच्छे से समझ सके. सेकेंड पॉइंट है, देन अ पिक्चर ऑफ ऑल द रिलेटेड फैक्ट्स मस्ट बी डेवलप्ड इन माइंड. इसमें क्या होता है, जो भी चीज हम लिखते हैं उससे जो उससे पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो कुछ हमारे माइंड में इमेजेस वगैरह आती है, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें क्या होती है हमारे माइंड में आने लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, इफ वन इज रिक्वायर्ड टू राइट अ रिपोर्ट अबाउट अ रोड एक्सीडेंट, देन द लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, कॉजेज, इफेक्ट्स एक्सेट्रा मस्ट बी नाइटेड इन माइंड. जैसे कि हम एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं, जैसे कि कोई रोड पे कोई इंसिडेंट हुआ है, उसमें क्या होता है, उसके बारे में हम लोकेशन देते हैं कि कौन से एक्सीडेंट की लोकेशन है, क्या कॉजेस थे, क्या इफेक्ट थे, वो सारी चीजें क्या होती है हमारे माइंड में आती है, उस चीज को हम इस तरीके से फील करते हैं जैसे वो सारा चीज हमारे सामने ही हुआ हो. थर्ड पॉइंट है, आफ्टर इट दिस आइडियाज और फैक्ट्स मस्ट बी रिटन डाउन एज अ प्रॉपर रिपोर्ट बाय गिविंग देम प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेट. इसके बाद क्या होता है, इसमें जो भी हम आइडियाज या फैक्ट्स को लेते हैं जिसे हम रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें इस तरीके से होता है जिससे कि जो भी हमने सेंटेंस का फॉर्मेट लिया होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है, उसकी प्रॉपर लाइंस होती हैं, वो मतलब छोटी बात में ही बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं. फोर्थ पॉइंट, इन एडिशन टू इट वन शुड बी केयरफुल दैट अ रिपोर्ट मस्ट बी द पॉइंट एंड देयर इज नो नीड टू इंक्लूड अननेसेसरी इवेंट्स. इसमें क्या होता है, हम इसमें सिर्फ वही चीजें ऐड करते हैं जो कि नेसेसरी होती है, जो कि काम की चीजें होती है, जो बिना काम की चीज होती है, अननीडेड होती है, अननेसेसरी चीजें होती है, उस सारी चीजों को हम क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग में तैयार नहीं करते, ना ही उसे ऐड करते हैं. इसलिए जब हम रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं तो उसे बहुत ही केयरफुल तरीके से तैयार करते हैं, जिसमें कि हम सिर्फ काम की बातें ही लिखते हैं या उसे शो करना चाहते हैं. इन शॉर्ट, वी एक्सप्रेस द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट लाइक दिस और इन शॉर्ट फॉर्म.
हम देखेंगे शॉर्ट में कि जब हम रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या डिस्क्राइब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और क्या क्या उसके अंदर लिखना चाहिए, जैसे सिस्टमैटिक एंड लॉजिक। जो भी चीजें हम लिखें उसे सिस्टमैटिक और लॉजिक तरीके से लिखें, रियल एंड कंक्रीट लाइफ लाइक, और उसमें जो भी चीज लिखी है इस तरीके से लगे कि हाँ वो सारी चीजें रियल में, सिंपल एंड क्लियर, जो भी चीज लिखी है वो सिंपल और क्लियर हो, जिससे कि सामने वाला पढ़ के समझ सके कि हम उसमें क्या कहना चाहते हैं, फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, एग्जैग्रेशन एंड अदर ओवर स्टेटमेंट, नाइदर स्केची नॉर अननेसेसरी लेंथी। इसमें क्या होता है, जो भी चीजें हम लिखे वो इस तरीके से लिखे कि जो भी काम की चीजें होती है वो इसमें ही इंक्लूड हो, कोई फालतू की चीजें ना हो, ना ही इतना लेंथी हो कि जो पढ़ने वाला इंसान उसे पढ़ के बोर हो और ना इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दिखाए। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइल अटेम्पिंग क्वेश्चन और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन द एग्जामिनेशन, रिमेम्बर द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसलिए क्या होता है, जब हम एग्जाम में पेपर वगैरह देते हैं तो उसमें भी हम इससे रिपोर्ट राइटिंग जब बनाने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ हमारे क्या होता है, माइंड में रहती है। और जब हम पेपर भी देने जाते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जाम हॉल में, तो हम क्या होता है, हम टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का ही आंसर देते हैं, ना कि कोई एक्स्ट्रा वगैरह उसमें डिस्क्राइब करते हैं। गिव ओनली रिलीवेंट डिटेल्स, इसमें क्या होता है, जो जरूरी और काम की चीज होती है वही डिटेल देते हैं। बी फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है, जो भी चीज हम लिखते हैं वो फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव होती है। स्टेट द टाइटल एंड हेडिंग, और इसमें क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्ट में उसका टाइटल और हेडिंग लिखने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, कंटेंट शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट, इसमें जो भी हम कंटेंट लेते हैं उसमें क्या करते हैं, काम की चीजें कंटेन करते हैं, जैसे वैन, वेयर, वाई एंड हाउ। ऑब्जर्व द वर्ड लिमिट्स 100 to 125 words, जो हम रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं वो हमारे 100 से 125 वर्ड्स के अंदर ही होने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग के। ये थे हमारी रिपोर्ट राइटिंग और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।